लुकार चिस्तु समाचार 22 अध्याय उसके 35 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उसने उनसे कहा कि जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूते बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने कहा, किसी वस्तु की नहीं। मित्रों, यह बड़ी अद्भुत बात है कि जब यीशु ने अपने शिष्यों को इसराइल की भटकी हुई भेड़ों में राज्य का सुसमाचार सुनाने भेजा था, तब उनकी आवश्यकताएं अपने आप पूरी हो गई थी। परंतु अब यीशु उन्हें एक नए दूत कार्य द्वारा नया संदेश सुनाने के लिए भेजेगा, और उनके श्रोतागण भी नए ही होंगे, क्योंकि वे संपूर्ण संसार को सुसमाचार सुनाएंगे। हम लुकार्ची सुसमाचार 22 अध्याय उसके 36 पद में आगे पढ़ते हैं, उसने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले, और वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार ना हो वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दें, सुसमाचार प्रचार करने के लिए अपने कपड़े ले लें और पैसा साथ रखें। यह संसार दुष्ट है, अतः अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। यीशु ने क्यों कहा कि जिसके पास तलवार ना हो वह अपने कपड़े बेचकर तलवार खरीद ले? यदि हम बुराई का विरोध नहीं करेंगे तो अधिकाधिक बुराइयां हम पर आएंगी। हम अस्पताल में भी पहुंचाए जा सकते हैं, या हमारा कोई प्रियजन मारा भी जा सकता है। हम लूका 22 अध्याय उसके 37 पद में आगे पढ़ते हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यह जो लिखा है कि वह अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है, क्योंकि मेरे विषय की बातें पूरी होने पर हैं। मित्रों, प्रभु यीशु के वैरियों ने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया तो संसार के पापों का दंड पूरा हो गया था। हम लूका 22 उसके 38 पद में और आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, उन्होंने कहा, हे प्रभु, देख, यहां दो तलवारें हैं। उसने उनसे कहा, बहुत हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आप अपने घर को किला बना दें, परंतु यह कि आपको स्वयं की रक्षा करना अवश्य है। अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं गतसमनी में यीशु। कई लोग गाना गाते हैं, मैं उसके साथ वाटिका में जाऊंगा, परंतु मैं तो नहीं जा सकता। यीशु ने अपने शिष्यों को वाटिका के बाहर भाग में छोड़ दिया था। मैं उनके साथ वहीं रहना चाहता हूं, और वहीं से उसकी मर्मभेदी आवाज सुनकर उसके साथ समय बिताना चाहता हूं। यदि हमारे मन कठोर ना हो तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाना चाहिए कि यीशु ने हमारा कटोरा पिया। हम प्रभु भोज का कटोरा पीते हैं, वह मीठा होता है, क्योंकि उसने हमारा कड़वा कप पी लिया है। वाटिका में रहस्य छिपा हुआ है। वाटिका में उसकी उपस्थिति की कल्पना करते हुए तथा उसकी करुण वाणी को सुनकर हम उसकी उपासना करें तो हमारे लिए अच्छा होगा। मित्रों, अभी हमें दर्पण में धुंधला दिखाई देता है। नाजिया जेन के ग्रेगोरी ने वर्षों पूर्व लिखा, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं क्योंकि मैं उसे जानता हूं। मैं उसे श्रद्धा अर्पित करता हूं क्योंकि मैं उसे समझ नहीं पाता। यही कारण है कि मैं गतसमनी की वाटिका में उपासना करता हूं और प्रश्नों के उत्तर पाने का प्रयास नहीं करता। हम लूका 22 उसके 39 और 40 पद में आगे पढ़ते हैं, तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। मित्रों, यहां दो अभिव्यक्तियां अति रोचक हैं। पहली, अपनी रीति के अनुसार, और दूसरी, उस जगह। स्पष्ट है कि प्रभु यीशु रात के समय यरूशलेम में नहीं रुकता था, और यह हमने पहले भी देखा है। जब वह यरूशलेम में जुलूस के साथ प्रवेश कर रहा था, तब नगर वासियों ने उसे अस्वीकार किया, तो उसने भी उनका त्याग किया। मित्रों, यह माना जाता है कि इस समय की प्रत्येक रात्रि वह या तो गतसमनी की वाटिका में या बैतनिया में व्यतीत करता था। फसा भोज के बाद वह गतसमनी की वाटिका में गया, और वहां एक असामान्य घटना घटी। ऐसा प्रतीत होता है कि वह बैरी से युद्ध कर रहा था। उसने वहां बैरी पर विजय प्राप्त की। कलवरी की विजय वास्तव में गतसमनी में प्राप्त की गई थी। प्रभु की सेवा के आरंभ में शैतान ने उसकी परीक्षा ली थी और उसे संपूर्ण संसार देने का प्रस्ताव भी रखा था, जिसका गुप्त भेद यह था कि वह क्रूस पर न चढ़ाया जाए, अर्थात क्रूस न उठाए। लुकार्ची सुसमाचार 14 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है कि शैतान हार कर कुछ समय के लिए चला गया। यह शैतान का अंतिम अवसर था कि वह यीशु को क्रूस उठाने से रोके,
अर्थात क्रूस पर न चढ़ने दे। आपको स्मरण होगा कि यीशु अपने शिष्यों से कह रहा था कि उसे बहुत कष्ट उठाने हैं और उसके बैरी उसे घात करेंगे। तब पत्रस ने कहा, जिसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 22 पद में पढ़ते हैं, हे प्रभु, परमेश्वर न करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। और प्रभु ने उसे झिड़का, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। शैतान की थियोलॉजी में मसीह के क्रूस का स्थान नहीं है। शैतान ही था जो गतसमनी में उसके पास आया था। इसी कारण प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा था कि वे जागते रहें और प्रार्थना करें कि परीक्षा में ना पड़ें। हम लूकार्ची सुसमाचार 22 अध्याय उसके 41 और 42 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने के ठप्पे पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। मित्रों, आप कितनी दूर तक पत्थर फेंक सकते हैं? यीशु उतने ही दूर जाकर प्रार्थना करने लगा। कुछ लोगों का कहना है कि वह डर रहा था। मुझे इस बात में बुद्धिमानी दिखाई नहीं देती है। क्रूस की लकड़ी में कोई महानता नहीं है। महानता थी तो यीशु की मृत्यु में जहां कहीं भी वह मरता। यदि वह इलेक्ट्रॉनिक कुर्सी पर मरता तो भी उसकी मृत्यु की महानता कम नहीं होती। कटोरे का अर्थ था हमारे पाप का कटोरा, क्योंकि वह परमेश्वर का पवित्र जन था। इसका कारण पाप उठाना उसके लिए स्वभाव विरोधी था। मेरी समझ में नहीं आता कि हम क्यों सोचते हैं कि हम परमेश्वर के समक्ष रूपवान हैं। यीशु पर हमारे पाप डाले गए तो वह ऐसा कुरूप दिख रहा था कि लोग उसे देखना भी नहीं चाहते थे, अर्थात पसंद नहीं करते थे। गतसमनी में शैतान ने फिर उसे बहकाया कि वह उसे संसार का राज्य दे देगा, परंतु उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का निर्णय लिया, जबकि हमारे पाप उठाना उसके लिए अत्यधिक घृणित कार्य था। हम लूका 22 उसके 43 पद में पढ़ते हैं, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। मित्रों, जंगल में परीक्षा के समय स्वर्गदूतों ने यीशु की सेवा की थी, और लूका लिखता है कि गतसमनी में स्वर्गदूतों ने उसकी सेवा की। हम लूका 22 उसके 44 पद में आगे पढ़ते हैं, और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लोहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा था। केवल लूका ही हमें बताता है कि यीशु का पसीना लोहू की बूंदें बनकर गिर रहा था। आज विश्वासी डॉक्टर इसकी वैज्ञानिक परिभाषा देते हैं, परंतु इसका मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ता। मैं केवल यही जानता हूं कि हमारे प्रभु की पीड़ा असहनीय थी, और उसने ये कष्ट मेरे पापों के लिए उठाए तथा आपके पापों के लिए उठाए और अपनी जान दी। मैं इसीलिए प्रभु की उपासना करता हूं, वरन उसे दंडवत भी करता हूं। मेरे मित्रों, इतिहास में हम अनेक घटनाएं पढ़ते हैं जिनमें देश प्रेमियों ने आज़ादी के लिए अपना खून बहाया, उस आज़ादी के लिए जो इस जीवन की है। परंतु प्रभु यीशु ने अपना खून हमारे पापों के लिए बहाया, अर्थात उस आज़ादी के लिए जो अनंत जीवन की है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 10 पद में यीशु कहता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। उसने इस भटके हुए संसार से ऐसा प्रेम किया कि वह नरक की गहराई में गया कि उद्धार का दान करे, परंतु इस संसार ने उसे स्वीकार नहीं किया। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने उसे अस्वीकार तो नहीं किया? क्या आप उसके उद्धार के कार्य के लिए आभारी हैं, या आप उसे ठुकराते हैं? मित्रों, गतसमनी में खड़े होकर उसकी आहें तो सुने, जरा ध्यान से देखें कि वहां वह घुटने टेके हुए पसीने के स्थान पर लहू टपका रहा है। क्यों? क्योंकि उसने आपके और मेरे पापी मनुष्यत्व को अपने ऊपर ले लिया। अगले दिन वह क्रूस पर चढ़ाया गया। हम देखते हैं यहूदा का विश्वासघात। लूकार्ची सुसमाचार 22 अध्याय उसके 45 से 48 पद में हम पढ़ते हैं, तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में न पड़ो। वह यह कह ही रहा था कि देखो, एक भीड़ आई और उन बारहों में से एक जिसका नाम यहूदा था उनके आगे आगे आ रहा था। वह यीशु के पास आया कि उसका चूमा ले। यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यह विश्वासघात का सबसे अधिक घृणित कार्य था।
यहूदा जानता था कि यीशु का विश्राम स्थल गतसमनी वाटिका ही है, अतः वह वैरियों को वहां रात के अंधेरे में लाया। चुंबन प्रेम और अनुराग का चिन्ह है जिसे यहूदा ने विश्वासघात का चिन्ह बनाया। इससे उसका यह कार्य और अधिक कायरतापूर्ण एवं असंगत हो जाता है। यह एक और प्रमाण है कि हमारा प्रभु पूरा मनुष्य था और उसकी पहचान आवश्यक थी। हम लूका 22 उसके 49 पद से 53 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, उसके साथियों ने जब देखा कि क्या होने वाला है तो कहा, हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। इस पर यीशु ने कहा, अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। तब यीशु ने महायाजकों और मंदिर के पहरुओं के सरदारों और पुरनियों से जो उस पर चढ़ आए थे कहा, क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारें और लाठियां लिए हुए निकले हो? जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। शिष्यों ने सोचा कि यीशु ने तलवार खरीदने को कहा था, संभवतः इसी समय के लिए, परंतु यह तलवार चलाने का नहीं था, क्योंकि यह घटना उसके उद्देश्य के निमित्त थी। तलवार उसके रहते नहीं, उसके चले जाने के बाद आवश्यक थी। मसीह के क्रूस पर अंधकार और ज्योति आमने सामने आ गए थे। अब हम आगे देखते हैं, यीशु का बंदी बनाया जाना और महायाजक के आवास पर ले जाया जाना। हम लूका 22 उसके 54 पद में पढ़ते हैं, फिर वे उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर में लाए, और पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था। मित्रों, यहाँ पर फिर से हम देखते हैं कि यीशु का अनुसरण दूर में रहकर करना जोखिम भरा होता है, और पतरस यही कर रहा था। मूसा की व्यवस्था के अनुसार महायाजक खन्ना था, परंतु काइफा ने रिश्वत देकर यह स्थान रोमी प्रशासन से ले लिया था। यही कारण है कि यूहन्ना के वृत्तांत में यीशु को हन्ना के समक्ष लाया गया। कुछ लोगों का मानना है कि यीशु की हत्या के पीछे हन्ना का हाथ था। यह यहूदियों की संसद महासभा थी। पतरस एक तो यीशु का अनुसरण करने में दूर चल रहा था, दूसरा वह अधर्मियों की संगति में बैठा हुआ था। हम आगे देखेंगे पतरस द्वारा यीशु का इनकार। लूका 22 उसके 55 से 57 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया, और एक लौंडी उसे आग के उजाले में बैठे देखकर और उसकी ओर ताक कर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था। परंतु उसने यह कहकर इनकार किया कि हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। इधर यीशु का झूठा मुकदमा चल रहा था और उधर पतरस परीक्षा की घड़ी में था। एक दासी के आरोप पर उसने यीशु का इनकार कर दिया। वह यीशु के नाम से लज्जित हुआ था। क्या हमने कभी ऐसी स्थिति में यीशु का इनकार किया है? प्रभु हमें पतरस के समान क्षमा करे। हम लूका 22 उसके 58 और 59 पद में पढ़ते हैं, थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूं। कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय यह भी तो उसके साथ था, क्योंकि यह गलीली है। मित्रों, अभी कुछ समय ही हुआ था कि किसी और ने आकर कहा कि पतरस भी यीशु नासरी के साथ था, और पतरस ने तुरंत इनकार कर दिया। वह वहां से उठकर दूसरी जगह जा बैठा। यहां उसके संकट का कारण था आवश्यकता से अधिक बातें करना, जिसके कारण वह गलीलवासी पहचाना गया। हम लूका 22 उसके 60 पद में पढ़ते हैं, पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्गे ने बांग दी। मित्रों, इस बार तो पतरस ने बलपूर्वक इनकार किया। यदि पतरस यहीं रुक जाता तो उसका अंत यहूदा के समान होता, परंतु देखिए पतरस ने क्या किया। हम लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसके 61 और 62 पद में आगे पढ़ते हैं, तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा, और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी कि आज मुर्गे के बांग देने से पहले तू तीन बार मेरा इनकार करेगा, और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। मित्रों, पतरस यीशु से बहुत प्रेम करता था, और उसने बड़ी ईमानदारी से ही कहा था कि वह यीशु का साथ नहीं छोड़ेगा, परंतु उसे अपनी दुर्बलता का बोध अर्थात पता नहीं था। अभी वह उस परिपक्वता तक नहीं आया था जब उसे शारीरिक व्यर्थता का बोध होता।
बाद में वह रोया। उसके आंसू सच्चे पश्चाताप के थे, परंतु यहूदा के नहीं। परमेश्वर की संतान के लिए लौट आने का मार्ग सदैव खुला रहता है। यूहन्ना अपनी पहली पत्री 1:9 में लिखता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मित्रों, पत्रस और यहूदा में कोई अंतर नहीं था। एक ने विश्वासघात किया और दूसरे ने इनकार किया। अंतर केवल यही था कि पत्रस ने आंसुओं के साथ पश्चाताप किया और यहूदा ने नहीं किया।